आंखें बंद, जड़ में जीव का विस्तार देखते हुए, जीव की मुक्ति का लक्ष्य बनाइए। थोड़े समय में संसार में पड़े इस जीव को सिद्ध शिला ले जाने का लक्ष्य बनाइए। ये काल में, ये आरे में संभव नहीं, ये मानकर, ये स्वीकार कर इस मार्ग पर, यानी वितराक मार्ग पर हम चलने में रुक नहीं सकते। इस काल में, इस आरे में जड़ और जीव के भेद को जिया जा सकता है। मुक्ति को लक्ष्य बनाकर अपने अनंत काल के मिथ्यात्व को, क्षय का कार्य किया जा सकता है। मोह कर्म पर कार्य किया जा सकता है। एक मुहूर्त तक इस काल में क्षय की धारा नहीं चल सकती। एक मुहूर्त से कुछ समय कम, एक दो सेकंड कम, आपकी क्षय की धारा शुक्ल ध्यान की अखंड अवस्था चल सकती है। सत्य को स्वीकारने में ये आरा बाधक नहीं है। कठिन है इस काल में, क्योंकि चारों ओर मिथ्यात्वी हैं। यहां आप केवल ज्ञान होते हुए नहीं देख रहे, यहां आप निर्वाण होते नहीं देख रहे। परंतु हे भवियात्मन, स्वयं को इस मार्ग पर चलने से रोके नहीं, गति में मंदता न लाइए। जिसने स्वरूप को जान लिया, उसने मुक्त होने की विधि जान ली। कितने भव ऐसे थे जहां धर्म की उत्कृष्ट क्रियाएं की, पर स्वरूप को न जानने के कारण परिणाम में पुण्य का उपार्जन किया। हे आत्मन, स्वरूप को मात्र शब्दों के स्तर पर नहीं जानना, स्वरूप का अनुभव करना है। सूर्य की किरणों का अनुभव लेने के लिए या सूर्य के ताप का अनुभव लेने के लिए आपको उस दिशा में जाना है जहां सूर्य की किरणें अपना ताप अधिक छोड़ रही हो। बंद कक्ष में बैठकर सूर्य के ताप का अनुभव नहीं किया जा सकता। भोजन का स्वाद चखने के लिए भोजन के उस कोर को अपनी जिह्वा पर लेना पड़ता है। रोग से मुक्त होने के लिए दवा का उपयोग करना पड़ता है।
हे आत्मन, उसी प्रकार वितराग पथ पर चलने के लिए स्वयं को समय देना पड़ता है, स्वयं में उतरना पड़ता है। जहां पुद्गल की पकड़ छूटती है वहीं आत्मानुभूति है। पुद्गल की पकड़ के रहते आत्मानुभूति संभव नहीं है। याद रखना ये वाक्य याद रखना, पुद्गल की पकड़ के रहते आत्मानुभूति संभव नहीं है। पुद्गल की पकड़ जैसे जैसे छूटेगी वैसे वैसे स्व अनुभव होगा, और जितना आप स्वयं का अनुभव करेंगे तुम्हारा संसार उतना छूटता चला जाएगा। कर्म जो सत्ता में पड़े हैं वो कर्म निश्चित निकलेंगे, ये देह पर नहीं तो अन्य देह पर, उस पर नहीं तो आने वाले देह पर, उस पर नहीं तो और आने वाले देह पर। कार्मन काया पर पड़े कर्म यदि क्षय नहीं हो रहे वो निकलेंगे। कर्म जब उदय में आते हैं और विभाव में जीव पड़ा हो तो वो कर्म भी उसे पीड़ित कर देते हैं। हे आत्मन, यदि आप अपने निज का अनुभव कर लेते हैं तो कर्म कब उदय में आया और कब निकल गया पता नहीं पड़ेगा। ये कोई शंका का मार्ग नहीं, कोई संदेह का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय है कि जितना आप स्वयं के होंगे उतनी सरल होगी ये वितराग यात्रा। तुम्हारा संसार भी छूटेगा, कर्म भी छटेंगे। अभी जिसे आप सुख कहते हैं वो वास्तविक सुख नहीं, वो सुखाभास है जो पुद्गलाधीन है। अनुकूल कर्म का उदय आपको सुखाभास देता है और प्रतिकूल कर्म का उदय उसी आभास में आपको दुख का एहसास करवाता है। और यदि आप अपने आप के हो गए तो अनुकूल कर्म के उदय की प्रतीक्षा छूट जाएगी और प्रतिकूल कर्म के उदय का भय मिट जाएगा। ये क्षत्रिय का मार्ग है, ये शूरवीर का मार्ग है। प्रारंभ में कठिन लगेगा, निश्चित कठिन लगेगा, कोई संदेह नहीं, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यत्व लेकर तुम अब तक यात्रा कर रहे थे। ये भव, पूर्व भव, भव भव, तुमने जो देह मिली उसे अपना माना, उस देह के मोह में पड़े, उसी मोह और मिथ्यत्व ने तुम्हें तुम्हारा दर्शन नहीं होने दिया। हे आत्मन, तुम में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन। अपने कैवल्य को प्रकटाने के लिए, अपने गुणों को प्रकटाने के लिए मिथ्यात्व को पराजित कर दो। पहले मिथ्यात्व पर कार्य करेंगे, फिर मोह क्षय करते हुए
केवल ज्ञानी होंगे। हे आत्मन, उस कैवल्य के लिए वे भाव को मत आने दो, मन की मत सुनो, मन को महत्व मत दो, मन को अपना मत मानो, मन के दास मत बनो, मन में जो सब भरा है वो सब बसिराने योग्य है, मन को खाली कर दो। मन परीक्षक है, मन में पड़े विचारों में से ही कोई विचार उठकर तुम्हारे शुक्ल ध्यान की धारा खंडित करता है। मन शत्रु है, मन को पर जानो, मन जीव का नहीं है, मन जड़ का है। मन के पार जाओ तब शुक्ल ध्यान होगा। अस्तित्व में उतर जाओ, भीतर का मौन सधने दो। जो कुछ भी देखा सुना पढ़ा लिखा कहा आदि आदि सब बसिरा, जीव मात्र उसके निज का बना रहे। स्वयं में स्थिर रहने का प्रयास करें।
शून्य को प्राप्त करें। इसी शून्य में बने रहे। जो मन के साथ जुड़ गए वो पुनः उपयोग लगाकर निज में निज को स्थित करें। स्वस्थिति ध्यान है। जो निज में स्थित नहीं वो मात्र एक क्रिया कर रहे हैं। क्रिया से कर्म क्षय नहीं होंगे। यही तप है जब आप अपने मिथ्यात्व को पराजित कर सम्यक्त्व को वहां स्थान देते हैं। बार बार उपयोग लगाने की आवश्यकता पड़ने पर उपयोग लगाना, सही दिशा में सम्यक्त्व का उपयोग लगाना एक तप है। जब मन से विचार निकल कर आए और जीव मन से जुड़े नहीं, मन के उन विचारों को गौण करे, ये एक तप है। ये एक कठिन तप है। मन का मौन हो जाना ये 11वां तप ध्यान है। मन के मौन होने पर अस्तित्व का दर्शन होगा, आत्मानुभूति होगी, गुण अनुभव में आएंगे,
पुद्गल की पकड़ छूटते ही सुख ही सुख है, सुख जो अनादि काल से भीतर भरा है, उसका अनुभव नहीं किया, पुद्गल की पकड़ ने वो अनुभव नहीं होने दिया, पुद्गल की पकड़ छूटते ही भीतर विद्यमान अनंत सुख अनुभव में आता है, पुद्गलातीत अवस्था में सुख है, देहातीत अवस्था में सुख है, जमाप शत प्रतिशत अपने स्वयं के हैं, यानी जीव जीव का है, इस अवस्था में सुख है। प्रयास करें अधिक से अधिक शुक्ल ध्यान की अखंड अवस्था को जीने का, अखंड अवस्था जहां एक समय से भी धारा खंडित ना हो, एक समय भी मध्य कोई एक विचार भी ना आए, ऐसा मन का मौन कर मन के पार जा, पुद्गलों के पार जा, स्वरूप पर श्रद्धा कर इस निराकार में उतर जाओ।
जहाँ मात्र जीव तत्व शेष रह जाता है, बाकी सब गौन हो जाता है। ये अनुमोदनीय अवस्था है। अब यहाँ कोई जाति संप्रदाय लिंग भेद आदि कुछ नहीं रहता। जो जो जीव अपने आप में स्थित हैं, वो जीव क्षय के पथ पर हैं। स्वयं में बने रहें, क्षय चलता चला जाए। जो अपने आप का हो गया, उसने केवलियों के सुख का अनुभव किया है। एक पुद्गल भी मेरा नहीं, जिसके लिए मैं अपने को गौण करूं। पुद्गल का ये पिंड चाहे भूत काल में कितने पुद्गलों का भोक्ता बना हो, या भविष्य में कितने पुद्गलों को भोगे, मैं आत्मा इस पिंड से भिन्न हूँ। मैं पुद्गल का भोक्ता नहीं हूँ। जो स्वरूप का हो गया, अपने आप का हो गया, उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने आप के हो जाओ, धर्म घटेगा। कषाय स्वयमेव छुटेंगे, क्रोध रोकना नहीं पड़ेगा। क्रोध का कारण समाप्त हो जाएगा। माया नहीं करनी, ऐसा कोई नियम पचक खान नहीं लेने की आवश्यकता पड़ेगी। माया का कारण ही नहीं रहेगा। अहम हो ही नहीं पाएगा तुमसे। तुम अपने आप के बने रहो। जब एक एक पुद्गल पराया लगेगा, फिर लोभ किसका रहेगा। तुम अपने आप के बने रहो।
जहाँ अपने अलावा शेष सब भिन्न है, वर्तमान निवास स्थान भी भिन्न है, फिर राख किससे करोगे और द्वेष क्यों करोगे। अपने आप का होकर देखो, कोई पाप नहीं होगा तुमसे, इस शुद्ध निर्मल अवस्था को जियो। जहां कोई एक कर्म न लगे, ऐसे स्वरूप को जीना ध्यान है, ये धर्म है। और कह रहे अपने भीतर, तुम्हारा सुख बढ़ता चला जाए, प्रत्येक जीव मात्र उस निज आत्मा को महत्व दे, बाकी सब गौण कर दे।
अनंत पुद्गलों के मध्य पड़ा ये जीव इन पुद्गलों से सर्वथा भिन्न है। जीव पुद्गल का भोक्ता नहीं है, जीव को पुद्गल की आवश्यकता नहीं है। पुद्गल जीव को सुख नहीं देंगे, जीव पुद्गल का नहीं और पुद्गल जीव के नहीं। पुद्गल के लिए जीव ने अनादि से अपने को गौण किया हुआ था, इसे मिथ्यात्व कहते हैं। अब जीव के लिए यदि पुद्गल गौण हो रहे तो समझ लें सम्यक्त्व आ रहा है। अनादि से पुद्गलों के मध्य रहकर भी जीव किसी पुद्गल का नहीं हुआ, ये शत प्रतिशत सत्य सम्यक्त्व स्वीकारा जाए। जब जब जीव ने पुद्गल का होने का व्यर्थ मिथ्या प्रयास किया, तब तब उसने कारमन काया पर कर्मों को आमंत्रित किया। कारमन काया पर पड़े एक एक कर्म का मूल कारण यही रहा, अपने आप को गौण कर पुद्गल का जब जब जीव हुआ वहां वहां कर्म का बंधन हुआ। संसार का मार्ग क्या है? जब जीव निज को गौण कर पुद्गल का हो जाता है, ये संसार का मार्ग है। जब पुद्गल की चर्चा करता है, पुद्गल का चिंतन करता है, अपने को पूरी तरह गौण कर देता है, पुद्गल में सुख खोजता है, पुद्गल एकत्रित करता है, वहां वो संसार के मार्ग पर गतिमान होता है। और वितराग मार्ग क्या है? जब जीव अपने लिए निज के लिए जीव के लिए पुद्गल गौण करते, ये निश्चय मार्ग है, ये वितराग मार्ग है। पुद्गल के लिए जीव को गौण किया तो संसार का मार्ग, और जीव के लिए पुद्गल को गौण किया ये वैराग्य वितराग मार्ग है। कौन श्रद्धे है, कौन पूज्य है,
जो जीव उसके स्वयं का हो गया, जिसके लिए उस जीव से अधिक महत्व का और कुछ नहीं रहा, वो श्रद्धेय है, वो पूज्य है, वो वंदनीय है। हे आत्मन, स्वयं के लिए स्वयं श्रद्धेय बने। निश्चय न में रही, आप जीव, हम जीव,
चारों ओर जी। वही गुण, वही धर्म, वही सामर्थ्य, भीतर सोहम घटने दो, सोहम रटना नहीं, सोहम घटने दो। फुदकलों के मध्य सब जीव एक समान लगे, प्रत्येक जीव के बंध का कारण व क्षय का कारण समान है। प्रत्येक जीव का सामर्थ्य, गुण और धर्म एक समान है। रागी से राग न रहे, कोई द्वेष करने योग्य न लगे, कोई अपना न लगे, कोई पराया न लगे, किसी से शिकायत ना हो, किसी पर प्रतिक्रिया ना हो, कोई छोटी जाति का न लगे, कोई उपहास करने योग्य न लगे, किसी देह की कोई भी वृत्ति हो, जहाँ पुद्गल गौण किए वहाँ वृत्ति भी पुद्गल है, ये जानकर मानकर उसे भी गौण कर दो। किसी में क्रोध अधिक हो तो भी जीव वही गुण और सामर्थ्य वाला है, किसी में मान अधिक हो, ये मान जीव का विषय नहीं, पुद्गल के उस पिंड की वृत्ति है। किसी की वृत्ति को लेकर उसके भीतर विद्यमान गुण और धर्म को गौण मत करो। कोई माया कर रहा हो उसमें भी वही जीव तत्व दिखाई दे, छोटा बड़ा सारे भेद मिट जाएं, कोई पुण्य कर्म के उदय का निमित्त बनता हो, कोई पाप कर्म के उदय का निमित्त बनता हो, दृष्टि ऐसी कि वहां भी जड़ और जीव का भेद ही दिखाई दे। चारों ओर जीव, पुद्गलों के मध्य पड़े जीव, जो जीव स्वरूप को स्वीकार कर स्वरूप में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये प्रयास अनुमोदनीय है। जो जो जीव विभाव में पड़े हैं, पुद्गल के मोह में पड़े हैं, पुद्गल को अपना माने हुए हैं, वे करुणा के पात्र हैं। कितने समय बाद, कितने और भव लेकर वो कब अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे नहीं कहा जा सकता। कोई कब मुक्त होगा ये आपका विषय नहीं, आपका प्रथम कर्तव्य आप निज जीव तत्व के प्रति है। जीव को गौण कर पुद्गल के प्रति कर्तव्य की परिपालना मिथ्यात्वी करते हैं, संसारी करते हैं। व्यवहार के नाम पर निश्चय को गौण, संसारी करते हैं। निश्चय मुख्य रहे और निश्चय से आप एक शुद्ध आत्मा हैं।
हे आत्मन, मुक्ति का एक श्रेष्ठ लक्ष्य बनाया है। सत्ता में पड़े अनंत को क्षय करने का जो लक्ष्य बनाया है, इस मार्ग पर चलते हुए ध्यान किसी पुद्गल की ओर ना जाए। आंखों से पुद्गल को देखने का प्रयास नहीं करना, कानों से पुद्गल भीतर जाए वो प्रयास नहीं करना, श्रोतेंद्रिय व चक्षु इंद्रिय के बल पर जो जो भीतर जाएगा उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा और मन शुक्ल ध्यान की धारा में परीक्षक बनेगा। आप अनुभव कर रहे हैं मन को कितना भरा हुआ है। हे आत्मन, मिथ्यात्व के अंतर्गत मन को भर दिया, अब यही मन पुनः पुनः विचारों के माध्यम से परीक्षा ले रहा है। अब इस मन पर नवीन विचारों की उत्पत्ति न होने दे, स्वयं पर करुणा करे, निज जीव पर करुणा करे, अनादि काल से संसार में पड़े निज जीव पर करुणा करे, जिसमें मुक्त होने का सामर्थ्य है पर जो मुक्त नहीं हुआ। हे आत्मन, तुम्हें सामर्थ्य है पर तुम मुक्त नहीं हुए, इसलिए अपने आप पर करुणा करो। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य तुम निज जीव तत्व के प्रति है। पुद्गल छूटेंगे, पुद्गलों में परावर्तन समय समय चलता है। ये पुद्गल का पिंड हो, अन्य पिंड मिले, जीव इस पुद्गल के पिंड से अभी निकल जाए या वर्षों बाद निकले, तुम्हारा कार्य तुम में बने रहने का है। कर्मन काया से सकारात्मक कर्म निकल कर आए या नकारात्मक कर्म निकल कर आए, कर्म किसी भी रूप में निकल कर आए, कोई भी निमित्त बनकर आए उस कर्म के उदय का, तुम्हारा कार्य तुम में बने रहने का है। कर्म के उदय से भयभीत नहीं होना, कर्म के उदय में आने पर उसे दबाने का प्रयास नहीं करना। वेद विज्ञानी कौन जो कर्मन काया से निकलकर औदारिक पर आने वाले कर्म को कर्म के रूप में देखता है, वो भेद विज्ञानी है। जहां निमित्त पर ना राग रहता ना द्वेष रहता, जहां आर्त और रुद्र ध्यान नहीं होता, कोई कारण नहीं रहता आर्त और रुद्र ध्यान का, मैंने कर्म बांधे विभाव स्थिति में। अब स्वभाव में कर्मन से जो कर्म निकला, निकल कर इस औदारिक पर आया, मैं दृष्टा भाव से उसे देखूंगा। दृष्टा भाव में इतना सामर्थ्य है कि वो कर्म पुद्गल टिक नहीं पाएगा। हे आत्मन, आज तक के उस सारे आर्त और रुद्र ध्यान को वो सिराने योग्य जानकर, प्रतिक्रमण करने योग्य जानकर उसे वो सिरा दो, उसका प्रतिक्रमण कर दो। मैं आत्मा हूं, पुद्गल के लिए अब तक मैंने स्वयं को गौण किया, अब मेरा लक्ष्य है मैं स्वयं के लिए एक एक प्रत्येक
प्रत्येक पुद्गल को गौण कर दूंगा। पुद्गल किसी भी रूप में हो, ध्यान रहे, पुद्गल किसी भी रूप में हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान। जीव के लिए, जीव की मुक्ति के लिए, जीव के निर्वाण के लिए, हे आत्मन, जीव के निर्वाण के लिए, हे आत्मन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कर्म आदि के रूप में जो जो पुद्गल आए उसे गौण करते जाना। तुम्हें मुक्त होना है, तुम इसी प्रकार स्वयं को मुक्त करोगे। स्वयं को समझ लो, इस आकार में निराकार हो तुम, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम एक यात्री हो। अष्ट गुणों से युक्त तुम जीवात्मा हो, अनादि काल से तुम एक यात्री हो। कर्मन काया को साथ लेकर, अपने गुण और धर्म को साथ लेकर यात्रा करने वाले यात्री, अपनी ये यात्रा पूर्ण कर। स्वयं का होकर, स्वयं में ठहर कर, पुद्गल के पार जाकर इन पुद्गलों को गौण कर, ये यात्रा पूर्ण होगी। हे आत्मन, यहां ध्यान का ये प्रयोग पूर्ण होगा। आगे देह कोई भी क्रिया करे, ध्यान रखना, विवेक रखना, भीतर का होश जागृत रखना, पुद्गल का चिंतन न चले, जहां चलने लगे वहीं उपयोग लगाना, समय समय क्षय की धारा चले, ये मात्र ध्यान की क्रिया के अंतर्गत नहीं। रात्रि विश्राम करने तक भीतर ऐसा होश जागृत रखना कि जीव तो अस्तित्व में बना रहे, तू तेरे स्वयं का बना रहे, किसी पुद्गल की चर्चा नहीं, चिंतन नहीं, भीतर का मौन सधने दे, भीतर का मौन सधने दे। इस मौन में आत्मदर्शन होगा। हे आत्मन, वितराग पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़िए, फिर निर्णय आपका, श्वान से आपकी, अधिकार आपका, शेष जैसे आप, जीव को सुख।